गुड मॉर्निंग एवरी वन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज की क्लासेस जो है वो हमारी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस हैं। स्लाइड्स पॉइंट्स ऑफ यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हम लोग इस क्लास में इसके 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हाफ इस क्लास में होगी और इसके बाद हाफ जो होगी वो लेक्स जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम लोग रिमेनिंग को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इट्स ब्रेक्स डाउन इनटू लेड मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये केमिकल रिएक्शन इसमें दिया हुआ है। ये आपका लेड मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में टूटता है। तो इस केस में द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है रिएक्शन का? पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, क्योंकि एक हैवी कंपाउंड ब्रेकअप होकर के मोर देन वन कंपाउंड में फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट टेक प्लेस, जो रिएक्शन हो नहीं सकता इनमें से कौन सा रिएक्शन है? जिंक जेडन प्लस एफ ई एस ओ फोर, गिब्स जेडन एस ओ फोर प्लस एफ ई, के एल प्लस सी एल टू रिएक्शन, गिब्स टू के एल सी एल प्लस आई टू, जेडन प्लस एम जी एस ओ फोर, गिब्स जेडन एस ओ फोर प्लस एम जी एंड एम जी प्लस सी यू एस ओ फोर, गिब्स एम जी एस ओ फोर प्लस सी यू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक प्लेस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिएक्शन नहीं कर सकता है? तो इसमें है जेडन प्लस एम जी एस ओ फोर, गिब्स जेडन एस ओ फोर प्लस एम जी, ये रिएक्शन नहीं हो सकता क्योंकि एम जी इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, इसलिए जिंक इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, वेन अ गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड मिक्स इन अ प्रेजेंस ऑफ वाटर, द रिएक्शन एसओ टू प्लस टू एच टू एस गिब्स टू एच टू ओ प्लस थ्री एस ऑक्यूर्स, हियर हाइड्रोजन सल्फाइड इज एक्टिंग एस, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड किस तरह का काम कर रहा है इस रिएक्शन में? सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कर रहा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर किस तरह का काम कर रहा है? तो पहला है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट या कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो इनमें से ये जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। आपको हमने क्लासेस में एक्सप्लेन किया, पूरा चैप्टर लिया हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, उनमें देखिएगा। तो यहाँ पर जो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। नेक्स्ट है कॉपर रिएक्शन कर रहा है एक्स एच एन ओ थ्री से, गिब्स सी यू एन ओ थ्री होल ट्वाइस प्लस वाई एन ओ टू प्लस टू एच टू ओ। तो यहाँ पर x और y की जो वैल्यूज है वो क्या होगी? सी यू प्लस एक्स एच एन ओ थ्री, तो x की वैल्यू क्या होगी जिससे कि सी यू एन ओ थ्री होल ट्वाइस प्लस वाई एन ओ टू प्लस टू एच टू ओ दे रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यूज जो है वो 4 होनी चाहिए और इस y की वैल्यूज जो है वो 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट, एन ए टू सी ओ थ्री से रिएक्ट, एन ए टू सी ओ थ्री गिब्स एन ए टू ओ प्लस सी ओ टू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल? पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शंस या कम्बशन रिएक्शंस। तो इसमें ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अगेन एक हैवी कंपाउंड है, मोर देन वन कंपाउंड में आपका स्मॉल कंपाउंड में ब्रेकअप हो रहा है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देना है, इन रिएक्शन टू एफ ई सी एल टू प्लस सी एल टू गिब्स टू एफ ई सी एल टू सी एल थ्री, टू एफ ई सी एल थ्री दे रहा है। तो यहां पर ये जो क्लोरीन में भी रिगार्डेज एज, यहां पर क्लोरीन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रिगार्डेज एज? पहला है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कैटलिस्ट या प्रोवाइडिंग एन इनर्ट मीडियम। तो इसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहाँ पर जो आपका क्लोरीन जो है वो वर्क कर रहा है,
यहाँ पर क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 7। ऑक्सीडेशन इज डिफाइन एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ प्रोटॉन्स और लॉस ऑफ प्रोटॉन्स। तो पहले तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के डिफिनेशन में प्रोटॉन्स का यूज़ होता ही नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ होता है कि वो गेन कर रहा है तो क्या होगा और लॉस कर रहा है तो क्या होगा। तो ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो है डिफाइन करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन H2S प्लस H2O2 गिव्स S प्लस 2H2O मैनिफेस्ट। तो इसमें ये जो रिएक्शन है वो क्या मैनिफेस्ट करेगा। पहला है ऑक्सीडाइजिंग एक्शंस ऑफ H2O2, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H2O2 और एसिडिक नेचर ऑफ H2O2 और अल्कलाइन नेचर ऑफ H2O2। तो ये जो रिएक्शन है वो किस चीज़ को शो कर रहा है। तो इसमें ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ H2O2 को शो कर रहा है। यहाँ पर H2O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन एक्शन हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, इन NiCO4 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni इज, यहाँ पर NiCO4 का होल फोर, CO का होल फोर है और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या हो जाएगा। तो Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा इस कंडीशन में, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एसिड्स प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एंड कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नीशियम सॉल्ट, इन सच रिएक्शन एमजी अंडरगोस। इस तरह के रिएक्शन में जो एमजी जो है उसका क्या हो रहा है। पहला है रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन, नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन अदरवाइज सिंपल डिसोसिएशन हो रहा है आपका इस रिएक्शन में। तो यहाँ पर एमजी का इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आज की क्लासेस हमने 10 काफ़ी इंपॉर्टेंस जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के क्वेश्चन देखे, जो स्लाइड्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस थे। नेक्स्ट क्लासेस में जो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, जो आपका आपका रिएक्शन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है जिसको कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, लर्न करना चाहिए, उस चीज़ को लेकर के आएंगे। थैंक यू।